सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो हिंदी स्टाइलिश फ़ॉन्ट होते हैं उनको डाउनलोड कैसे करते हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है और पिक्सल लिप में कैसे मतलब ऐड करते हैं, उनको पोस्टर में कैसे यूज़ करते हैं, ओके सभी डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। ओके गाइस, तो गाइस प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करना, इसी तरह सपोर्ट करते रहना तो आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो एडिटिंग लाते रहूँगा। ओके गाइस, सो गाइस फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने को क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। सो क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसे यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर देना मराठी फॉन्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, देख सकते हो ये दूसरे नंबर पे आ चुका है मराठी फॉन्ट नेट। इसी तरह से आपको यहाँ पे सर्च कर लेना। सो सर्च जैसे ही करोगे तो सबसे ऊपर की जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पे क्लिक कर देना मराठी फॉन्ट वाले। ओके, तो उस वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करो तो आपके सामने यहाँ पे फॉन्ट आ जाएंगे। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो आपको यहाँ पे एड आते रहते हैं तो आपको उसको छेड़छाड़ नहीं करना है और सीधे नीचे स्क्रॉल कर लेना। जैसे स्क्रॉल करोगे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मस्त जो फॉन्ट होती है वो आ रही है, देख सकते हो। और नीचे स्क्रॉल करना है तो नीचे भी फॉन्ट आएगी। देन इसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हो विव एल फॉन्ट का ऑप्शन ये वाला, तो इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी सारे फॉन्ट होंगे वो सभी फॉन्ट आ जाएगी। और ये देख सकते हो ऊपर एक दो करके यहाँ पे जो थोड़े से वर्ड्स लिखे हुए गिनती, तो ये प्रीव्यू इस तरह से है। तो आप यहाँ पे अगर सेकंड नंबर पे क्लिक करोगे, जैसे फर्स्ट पे तो मैं सेकंड दो पे क्लिक कर दिया हूँ, तो जैसे क्लिक करूँगा तो नीचे प्रोसेस लेगा और ये दो नंबर की जो फॉन्ट होती है वो आ जाएगी। इस तरह से आप सारे अंक पे क्लिक करोगे तो सारी फॉन्ट यहाँ पे आपके सामने शो होगी। ओके गाइस, जैसे मैंने अब दो पे क्लिक किया था, अब यहाँ पे फाइव पे मैंने क्लिक कर दिया, तो फर्स्ट एक बार थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर से दूसरे जो मतलब दूसरी फॉन्ट्स आ जाएंगे। इसी तरह से आप जितने भी हिंदी फॉन्ट्स होते हैं सभी फॉन्ट आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। सो फाइनली अब आपको दिखा देता हूँ इनका जो डाउनलोड कैसे करते हैं और पिक्सल लिप में इनका ऐड कैसे करना और इनको यूज़ कैसे करना करके। सो फाइनली मैं एग्जांपल के लिए ये वाला फॉन्ट डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना। सो जैसे क्लिक करोगे एक बार और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना। ओके, सो गाइस जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये एक बार और डाउनलोड आएगा, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ओके डाउनलोड कर लेना। ओके, सो ये डाउनलोड होना इस बार अभी ओपन कर देना, ये ओपन का ऑप्शन देख सकते हो ये वाला, तो इस पर क्लिक करोगे ओपन। सो फाइनली इसे ओपन पे क्लिक करने के बाद जो फाइल मैनेजर आ जाएगी, तो फाइल मैनेजर में आना है और इस तरह से आएगा, तो इससे यहाँ पे आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसे डॉक्यूमेंट इसे जो नाम है वही रखूँगा और इसका ओके कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब अपने को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने के बाद पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना। सो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे पिक्सल ऐप को ओपन कर लिया। अब फॉन्ट को ऐड करने के बाद जो एक का ऑप्शन देख सकते हो वाला, इस पर क्लिक करना है, इधर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ए बी फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने को माय फॉन्ट्स में जाना है और यहाँ पे जो देख सकते हो ये फाइल का ऑप्शन और एक टी का, तो उस पर क्लिक कर देना है। देन अब अपने जो डाउनलोड फाइल में आएगा तो आपके फ़ोन में कहाँ पे आता है आप देख लेना अच्छे से। और यहाँ पे जैसे मेरे सामने ये वाला फॉन्ट फोल्डर आया है, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे देख सकते हो ऐड सिलेक्टेड, इस पर क्लिक कर देना है। तो अब ये फॉन्ट ऐड हो चुका है मेरे पास, यहाँ पे नीचे आया होगा मेरे पास ऑलरेडी, मैंने पहले से भी डाउनलोड कर लिया था बट आपको दिखाने के लिए फिर से डाउनलोड कर लिया हूँ। ये वाला फॉन्ट आ चुका है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। अब इनका यूज़ कैसे करना है, अपने को इनको यूज़ करने के लिए एक ऐप यूनिकोड पैड इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मैं उस ऐप को फाइनली ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आदिवासी लिखने के लिए अपने को सभी जो मात्राएं बिंदाई बिंदियाँ होती है सभी जो एक एक ढूंढ के लिखना होता है। ओके, अगर आप इसे फर्स्ट बार यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, जब आप इसे रोज़ यूज़ करोगे तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अ को ढूंढना, ये अ सॉरी ये ऊपर देख सकते हो ये अ, तो अ क्लिक करना, उसके बाद मात्रा लगाना है, तो ये वाली यूज़ कर लेता हूँ, आ तो हो गया। अब यहाँ पे ये वाली मात्रा, अब ये दी, अब यहाँ पे व को ढूंढना। ओके, सो यहाँ पे आदिवासी, तो यहाँ पे व किधर है, थोड़ा सा ये वाला। ओके, इसके बाद सॉरी आदि वा, अब ये हो गया वा, अब सी, अब करना अपने को यहाँ पे आदि वा सी, इस तरह से आदिवासी लिख लिया हूँ देख सकते हो ऊपर। देन इधर कॉपी का ऑप्शन ये वाला, तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेना। इस तरह से कॉपी करने के बाद अब अपने को यहाँ पे पिक्सल है ऐप को ओपन करना, फाइनली इधर स्क्रॉल करना है और इसे यहाँ पे लिख लेना, और इस ये मैंने पहले से लिखा था इसे यहाँ पे क्लिक करना है, इसे डिलीट करना है और अभी जो कॉपी किया उसे पेस्ट कर लेना है और दोनों साइड आगे पीछे दो दो बार स्पेस दे देना है इस तरह से। ओके, देन ओके कर लेना स्पेस देने के बाद, देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुका है। अगर आपके पास इस तरह से आता नहीं है तो अपने को जो फॉन्ट अपन ने डाउनलोड करी वही फॉन्ट सेलेक्ट करना और ओके कर लेना है।
तो इस तरह से आ जाएगा। अब इनको थोड़ा सा 3D में बनाना है, इनका कलर चेंज करना है, तो यहाँ से कलर वाला ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। बट मैं यहाँ पे एक फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा, तो ये टेक्स्ट टूल लिखा है ये वाला देख सकते हो, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन यहाँ पे फोटो सिलेक्ट करना है, आपकी जो गैलरी होगी वो ओपन हो जाएगी। ओके, इस तरह से गैलरी ओपन हो जाएगी, तो उस फोटो को सिलेक्ट करना है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया हूँ, देन राइट पे टिक करूँगा, देख सकते हो जो कलर आ चुका है, देन इसे इनेबल करना है और थोड़ा सा इसे एडजस्ट इस तरह से कुछ कर लेना। ओके, इस तरह से ओके, देन राइट पे टिक करना है। अब इधर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे मैं शेडो को इनेबल कर लेता हूँ। सबसे पहले जो बैकग्राउंड का कलर होता है वो ब्लैक करना है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कलर में जाना है, यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा 3D में करना है। ओके, तो इतना करने के बाद अपने को यहाँ पे इसे इनेबल कर लेना है, ये 3D में हो जाएगा, देख सकते हो। सो गाइस, इसी तरह से आप सभी को यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वाला फ़ोन, मतलब ये इससे कैसे यूज़ करते हैं इनका सीखना है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे आएगी। ओके।